क्या कर रहे हैं बाजीराज? अपने किले पर मेवाड़ ध्वज फहरा रहा हूं, अफगान ध्वज को हटाकर। हाँ बाजीराज, चित्र बनाकर तो ये काम हो सकता है, लेकिन अफगान ध्वज की रक्षा में शम्स खान के कम से कम 150 सैनिक हमेशा किले पे हथियार लिए तैनात रहते हैं। और हाँ बाजीराज, मैंने तो ये भी सुना है कि ये सैनिक कभी भी किसी भी युद्ध में किसी से भी पराजित नहीं हुए। आज तक इन्होंने हमारे दाजीराज के साथ कहाँ युद्ध किया है? अब दाजीराज ने रावत जी के साथ सभी सामंतों की बैठक कर ली है सोहम। अब देखना कैसे हमारे किले पर से ये अफगान ध्वज हटता है। और हाँ सोम, ये बात बहुत ही गोपनीय है, बोलना मत कहीं किसी से। एक बात समझ नहीं आ रही है सोम, कि हम इस युद्ध को जीतने में दाजीराज की सहायता करें तो करें कैसे, और हमें कोई बताता ही नहीं युद्ध की योजना। सोम बाजीराज, आपके मामा सा मानसिंह जी पधार चुके हैं। मामू सा आ गए, मामू सा, मामू सा। एक बात बताइए प्रताप, ये जीजा आपको खाने में क्या खिलाते हैं? जब भी हम आते हैं आपकी ताकत बड़ी हुई पाते हैं। और आप आते भी तो कितने दिनों बाद है मामू साहब। और ये बैलगाड़ियाँ ये किस लिए है मामू साहब? खम्मा घड़ी मानसिंह जी, घड़ी खम्मा पधारिए, कहिए सब कुशल मंगल तो है? सब आपका आशीर्वाद है चुंडा सरदार। मामू साहब ये, हाँ ये वो सामान लाद के ले जाने के लिए लाए। जब भी हम यहाँ आते हैं तो जीजा हमें खाली हाथ थोड़ी जाने देती। इतनी सुजी बैलगाड़ियाँ, इनमें तो सामान क्या, हम भी आ जाएंगे ठीक से। लगता है जिसे किसी यात्री को ले जाने के लिए है, नहीं? मानसिंह जी, दरबार में राणा जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए कुंवर प्रताप, आइए। बिना सरदार, हम आपसे भोजन के बाद मिलते हैं। कुंवर शक्ति को तो पता भी नहीं कि उनके माँ के हाथ का बनाया अंतिम भोजन है उनके लिए। चिंता मत कीजिए बेना सच्चा भाई, बेना भटियानी जी हमारे बच्चों का अपने बच्चों जैसा ही ध्यान रखेंगे। नहीं चीचा, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, कुंवर प्रताप के जीवन में आपका स्थान नहीं ले सकते। ऐसा मत कहिए भटियानी जी, प्रताप आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हमसे। सच कहा आपने जीजा, कुंवर प्रताप हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपका वो सम्मान करते हैं। हम जानते हैं हमसे बिछड़ने का दुख उनके लिए एक चुनौती होगा, पर राजकुमार चुनौतियों से ही बड़े बनते हैं। और फिर आप तो है ही उनके साथ। Thank you.
राज वैद्य जी ने महारानी जी को संदेशा दिया है कि बाऊजी राज के भोजन में इस औषधि को कम मात्रा में मिलाएं, बस चुटकी भर जी। हाँ, अभी इसे बनाते समय मैंने इसे थोड़ा सा सूंघ लिया था, तो इसके प्रभाव से मुझे उसी क्षण नींद आ गई थी। सब क्या था बाऊजी राज? कुछ कुछ समझ में आ रहा है सो। अब हम समझ गए कि रानी माँ और दाजी राज हमारे लिए क्या योजना बना रहे हैं। वे हमें भोजन में औषध खिलाकर रानी माँ की जौहर से पहले पहले यहाँ से कहीं दूर भेजना चाहते हैं सो। हाँ, तभी मामूसा को यहाँ बुलाया गया है। ये एकलिंगनाथ जी, अब क्या करेंगे आप? हमने सोच लिया है सो, हमें क्या करना है। अरे वाह रानी माँ, आज तो आपने इतने सारे व्यंजन बना दिए हैं। क्या कोई विशेष उत्सव है आज? ये प्रताप कहाँ रह गए? दासी, जाओ जरा देख कर आओ प्रताप कहाँ है। कहाँ थे आप प्रताप? आइए, आज हम अपने हाथों से आपको खाना खिलाएंगे। कुंवर प्रताप, आइए, आपकी माँ से आपको बुला रही है। बाऊजी राज नहीं बोल पाएंगे, इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। क्या? ये कब हुआ? कैसे हुआ बताइए? बाऊजी राज ने गरम गरम दूध बिना फूंक मारे ही पी लिया और इनका मुंह छालों से भर गया। दूध पी लिया? लेकिन प्रताप, आपको तो दूध पीना पसंद नहीं है। दिखाइए, मुंह खोलिए। ये कितने बड़े बड़े छाले पड़ गए हैं। चलिए, ठंडी खीर खा लीजिए। अब क्या हुआ? वो राजवैद्य जी ने कहा है कि जब तक इनके मुंह के छाले ठीक नहीं हो जाते ये कुछ खा नहीं सकते। क्या दादा भाई, आप भी इतने साधारण से छालों के लिए इतने स्वादिष्ट भोजन को छोड़ रहे हैं? अरे थोड़ी हिम्मत दिखाइए हमारी तरह और बस टूट पड़िए। विक्रम, चलो प्रतियोगिता लगाते हैं कचौड़ियां खाने की। कुंवर शक्ति, अपने छोटे भाई को मत सताइए, भोजन कीजिए, आप भी कीजिए। प्रताप, आज तो आपको हमारे हाथ से कुछ ना कुछ खाना ही होगा। चलिए प्रताप, थोड़ा सा खा लीजिए। मेवाड़नाथ पधार रहे हैं। बाऊजी राज, मैं चलता हूँ। बैठिए। हमने सोचा आज रात का भोजन अपने बेटों के साथ किया जाए। कुंवर प्रताप के मुंह में छाले पड़ गए हैं। राजवैद्य ने इन्हें कुछ भी खाने से मना कर दिया है। राजवैद्य जी हमें भी मिले थे, उन्होंने बताया आपके छालों के बारे में। उन्होंने कहा कि भले ही कुंवर प्रताप कुछ ना खा सकते हो लेकिन पीने के लिए उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि पिलाइए जो पिलाना है।
पीजिए कुंवर प्रताप, ठंडाई पीजिए। राज वैद्य जी ने विशेष आपके लिए ठंडाई बनाई और कहा है कि यह ठंडाई पीने से आपके छालों की पीड़ा कम होगी और आपको शक्ति मिलेगी। आइए कुंवर प्रताप, बैठ के ठंडाई पी लीजिए। ठंडाई पीछे छोड़ो अफजल। दो दिन बाद गर्दन नहीं बचेगी। तब क्या कह रहे हो हुजूर? हमारी नहीं, प्रताप की गर्दन। बड़े प्यार से बढ़ाऊंगा उसको। मरने से पहले उसको भी तो पता चले। शम्स खान से जुबान लड़ाने और शम्स खान की आंखों में आंखें डाल के देखने का अंजाम क्या हो सकता है? प्रताप, तू तो गया। हमें सदा आप पर गर्व है प्रताप। ये बात हमने आपसे कभी कही नहीं थी, पर आज कह रहे हैं। आज तक हमने आपसे जो भी बातें कही हैं, उसे सदा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। हम सबके लिए बहुत कठिन घड़ी है, लेकिन एक लिंग जी साक्षी, हमें जैसी परिस्थितियां मिली उनमें जो कुछ भी संभव हो सका हमने सब किया अपने बच्चों के लिए। ऐसे जिएंगे। मान सिंह जी सभी राजकुमारों को यहां से दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब हम चलते हैं।
जीजा, हम आपको वचन देते पूरा जीवन प्रताप का ध्यान रखेंगे। दासी, राजकुमारों को द्वार तक ले जाइए। हम जानते हैं मान, अब कुंवर प्रताप का ध्यान अपने बेटे जैसा ही रखेंगे। फिर भी यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो दिल पे मत लीजिएगा। वैसे तो हम आपसे बड़े हैं, फिर भी हमारे लिए कुछ भी कहने का ये अंतिम अवसर है। उनकी हर संभावित भूल चूक के लिए हम आज आपसे क्षमा मांगते हैं। ये आप क्या कह रही हैं जीजा? आप तो हमारी मां समान हैं। जब तक मान सिंह सोनगरा के शरीर में सांस है, कुंवर प्रताप का कोई बाल भी वांका नहीं कर सकता। हम जानते हैं, पर मां है लेकिन अब मन में कोई संशय नहीं है। एक लिंग जी सब अच्छा करेंगे। अब हम निश्चिंत होकर मृत्यु को गले लगा सकते। ऐसा ना कहें आप जीजा। आप देखना, राणा जी इस युद्ध में अवश्य विजयी होंगे। आप वर्षों तक कुंवर प्रताप के साथ रहेंगे। आप स्वयं उनकी देखभाल करेंगे और उन्हें फलते फूलते देखेंगे। देख लेना आप। सीमा पार पहुंचने में अभी बहुत समय लगेगा। बस चौकस रहिएगा मार्ग में। आज्ञा दीजिए। सिंह जी, बाजीराज प्रताप इस मेवाड़ का भविष्य है। हर क्षण उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आप निश्चिंत रहें रावत जी, अब चलने का समय हो गया है। एक लिंग जी आपकी हर कठिनाई में सहायता करें। नहीं, श्यामली, ये दूध का पात्र क्या बात हो गई? महारानी साहब, ये तो वही ठंडाई थी जो बाऊजी राज को पीनी थी। कहाँ मिला ये पात्र आपको? ये पात्र मुझे भोजन कक्ष में बैठक के पीछे मिला था।
जहाँ बाऊजी राज भोजन के समय बैठे थे। शक्ति, सब ठीक तो है? पानी पी लीजिए। प्रताप अचेत नहीं हुए थे? उन्होंने अचेत होने का मात्र स्वांग किया था। आप चाहिए यहां से। चीचा, समय वैसे भी बुरा चल रहा है। अगर ऐसे में कुंवर प्रताप ने कुछ कर दिया तो हमें तुरंत ये सूचना राणा जी तक पहुंचानी होगी। रुको, रुक जाओ वहीं पे। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। मागणी हुकुम। ताई, हम अभी अपनी मोहर लगाकर एक गुप्त संदेश आपको लिखकर देते हैं। आप उसे राणा जी तक पहुंचा दीजिए। जी रानी सर। हम आपकी चौकसी से प्रभावित हुए मानसिंह जी। हम तो इसलिए आए हैं ताकि अंतिम बार अपने कुंवर का मुख देख सकें, उन्हें सुरक्षित देख यहां से विदा कर सकें। जी हुकुम, आइए। हुकुम, पुराणों में लिखा है, व्यक्ति के चाहे जितने भी पुत्र हो जाएं, किंतु जो प्रेम उसका अपने पहले पुत्र से होता है, वैसा प्रेम दूसरों से नहीं बन पाता। औरों का तो हम नहीं जानते, लेकिन हमारे मन में आपके लिए कुछ ऐसा ही है कुंवर प्रताप। हम जानते हैं कि जब आप जागेंगे तो आपको बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन हम क्या करें? अपनी आंखों के सामने आपको अहित होते नहीं देख सकते हम। आप हमारे लिए सब कुछ हैं, हमारा स्नेह, हमारा गौरव, हमारा भविष्य। आप
सब कुछ है। एक लिंग जी करें आप 100 वर्ष तक जिए, और जिस मेवाड़ की प्रजा के लिए हम अपने प्राण देने जा रहे हैं, हमारा आशीर्वाद है कि उस प्रजा के लिए आप स्वतंत्रता के साथ साथ सुख और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखें। हुकुम। मानसिंह जी, मानसिंह जी, हमें ऐसा लगा जैसे अभी अभी कुंवर प्रताप ने अपना हाथ हिलाया हो। यह संभव नहीं है हुकुम। जो तीव्र औषधियां इन्हें दी गई हैं उसके असर से 2 दिन तक इनकी नींद नहीं खुलेगी। आप जाइए। जी हुकुम। कोकोए, इस बात का पूरा ध्यान रहे, ये संदेश राणा जी के अलावा किसी की दृष्टि में ना पड़े। जी रानी साहब। दुर्ग से निकलने से पहले हमें रथ से बाहर कूदना होगा। रुक जाओ। ऐसा लगता है कि हमें कोई आहट सुनाई दी। जाओ, जाकर देख कर आओ। यहां तो कोई भी नहीं है, चारों तरफ देख लिया हुकुम। हमें पूरा भरोसा है कि कुछ देर पहले हमने कोई आहट सुनी थी। हम स्वयं देख कर आते हैं।
हुकुम, कुछ अफगानी सिपाही इसी ओर आ रहे हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। ये तो महाराज उदय सिंह का साला मान सिंह है ना। चलो जल्दी जल्दी करो, राज के अतिथि आने वाले हैं। ये किसके स्वागत के लिए इतनी तैयारियां हो रही है? हम लोगों को ज्ञात है कि स्वयं राज राणा बहादुर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी के साथ युद्ध में हमारा साथ निभाने के लिए पधार रहे हैं। तो ध्यान रहे, जिस समय हम उनके साथ रणकक्ष में विशेष बैठक कर रहे हैं, उस समय उस कक्ष के आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए। राजराणा बहादुर, ये कौन है और यहाँ किस लिए आ रहे हैं? इनायत, क्या बोला था हमने? दो दिन तक यानी 48 घंटे तक उदय सिंह के हथियारों का नींबू के पानी में तैयार होने का इंतजार हमारे लिए जानलेवा हो रहा है, यही ना? बेशक बोला था हुजूर। हमारा दिल बहलाने के लिए आप इन साहब गायककार को लेके आए। वही बात, ये नामुराद गवैया हमारा दिल नहीं बहला रहा है, ये गधे की तरह करके हमारी जान ले रहा है। थोड़ी देर और इसका गाना सुनते रहे तो उदय सिंह के हथियारों से उसका सर कलम करने के बजाय हम अपना गला काट लेंगे, समझे? तो अब गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। चलो निकले ऐसे। रुको 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 रुको, इसे यूं ही मत जाने दो, मजा नहीं आएगा। एक काम करो, इसका गला काटो। सुनो सुनो सुनो, प्यार से आराम से काटना, फिर शायद मौत के वक्त जो इसकी आवाज निकले उससे हमें मजा आ जाए। 48 घंटे का इंतजार उस आवाज से खत्म हो। ले जाओ इसे। बेशक हुजूर, ले जाओ। मजा आ गया। मरहबा मरहबा।
राणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर, राजराणा बहादुर। दाता का नाम खूंखार सिंह राजराणा। आज तक राजराणा बहादुर ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ युद्ध में जिसके लिए भी भाग लिया है, वो राजा उस युद्ध में विजय रहा है। इसीलिए कई बड़े राजा महाराजाओं ने युद्ध के परिणाम को अपने पक्ष में करने के लिए राजराणा बहादुर की सहायता ली है। राजराणा बहादुर की जय! 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 अम्मा घड़ी राजराणा घड़ी कंबरा बजे महाराणा उदय सिंह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आई युद्धों ने राजराणा बहादुर के शरीर को कई घाव दिए, किंतु कोई भी घाव उनके मातृभूमि के लिए वीरता और युद्ध कौशल से लड़ने की इच्छा को कम नहीं कर पाया। लोग अक्सर उनकी तुलना महान योद्धा राणा सांगा से करते हैं। लगता है इस युद्ध में राजराणा बहादुर दाजीराज के प्रमुख सहयोगी होंगे। जी, ये तो दाजीराज का रणकक्ष है, यही तो आने वाले हैं वे। आइए राजराणा जी। राजराणा जी, आपकी और आपके सैनिकों की वीरता का बखान तो पूरा राजपुताना करता है, इसलिए उसके बारे में आपसे क्या कहें। लेकिन इस युद्ध में आपको एक विशेष कार्य के लिए आमंत्रित किया गया है, और वो कार्य आपके अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता राजराणा जी, इसलिए हमने आपकी प्रतीक्षा की। और 2 दिन तक अफगान सैनिकों से युद्ध को टाला है। महाराणा उदय सिंह के लिए लड़ाई करना हमारे लिए सदा ही गौरव की बात रही है। गौरव, मेवाड़ का ध्वज अब आपके हाथों में है राजराणा जी, और आपका एकमात्र उद्देश्य अफगानी ध्वज हटाकर मेवाड़ का ध्वज फहराना। ऐसा ही होगा राणा। दाजीराज, हम आपको वचन देते हैं कि इस उद्देश्य को पूरा करने में हम आपका साथ देंगे।